राजधानी में पत्नी सहित 4 साल के मासूम के अपहरण और फिरौती का मामला सामने आया है। मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बिघरपुर का बताया जा रहा है, जहां श्रृंगार दुकान चलाने वाली महिला और उसके 4 वर्ष के बच्चे का अपहरण बीते 3 जनवरी को जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित दुकान से अपहरणकर्ताओं ने अपहरण कर लिया है। अपहरित महिला के पति नटराज झा पेशे से टेक्निकल इंजीनियर है। पति की माने तो 3 तारीख को घटना की सूचना मिलने पर पत्नी और बच्चे की खोजबीन की व थक कर जक्कनपुर थाना पुलिस को अनहोनी की आशंका से आवेदन देने पहुंचे। पीड़ित पति नटराज झा की माने तो 4 जनवरी को जक्कनपुर थाना जाने और आवेदन देने पहुंचे। पीड़ित की किसी पुलिस कर्मी ने एक न सुनी और उसे थाना से चलता कर दिया। वही 5 जनवरी को पीड़ित के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए पत्नी और बच्चे के अपहरण की जानकारी दी गई, जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग अपहरणकर्ताओं ने की है। इधर आनंद फानन में पीड़ित पति नटराज झा जक्कनपुर थाना पहुंच अपहरण और फिरौती की पूरी जानकारी दी। क्या क्या समस्या है? सर, बिग्रहपुर में सर मेरा बाबू सिंगार सदन है, जो मेरी पत्नी चलाती थी। सर वहां से मेरी पत्नी और बच्चा सर 3 तारीख को 12 बजे दिन से ही लापता है। इसके बाद सर मैंने बहुत खोजबीन की अपने स्तर से सर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिली। सर मैंने 4 तारीख को जक्कनपुर थाना में गए एक आवेदन लेके, लेकिन जक्कनपुर थाना उस आवेदन को लेने से सर इनकार कर दी और मुंशी जी सर मेरे साथ अनाप शनाप व्यवहार किया, जो मैं नहीं बोल सकता उस टाइम। तो इसके बाद सर 4 तारीख को जब नहीं लिए, फिर 5 तारीख को एक अननोन नंबर से मुझे कॉल आया कि अपने बच्चे को लेना है तो 5 लाख रुपये लेके दिल्ली एयरपोर्ट आ जाओ। तो सर इस बात को लेके हमने सर फिर जक्कनपुर थाना गए, SHO साहब से मिले। तो SHO साहब उस फोन पे फोन किया और पता नहीं SHO साहब से क्या बात हुई, अच्छा बुरा तो सर वो तो नहीं बता सकते हम क्या कहानी है उन लोग के बीच में। सर जब मुझे वहाँ पे आवेदन मेरा फिर भी नहीं लिया गया, तो सर मैंने हर जगह पे पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से मैंने SSP साहब, सीनियर SSP साहब, DGP साहब, बिहार सरकार तक को मैंने भेजने का काम किया। इसके बाद सर मैंने CT SSP साहब से मिले, तो CT SSP साहब ने मुझे आश्वासन दिए कि इस पर बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो इसके बाद सर मैंने फिर सीनियर SSP साहब से मिले हैं 7 तारीख को। तो सर सीनियर SSP साहब के फोन के दबाव से जक्कनपुर थाना ने सर मेरे पूर्ण आवेदन, पूर्व जो आवेदन दिए थे उस आवेदन को बदलवा के सर जबरन दूसरा आवेदन लिखवा के सर फरेब आवेदन लिखवा के मेरे से सर वो ले लिए हैं। और इस पर अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरा बच्चा और मेरी पत्नी सर लापता है और दिल्ली से बार बार सर 5 लाख रुपये की फिरौती की डिमांड हो रही है सर। बच्चे कितने साल के? सर 4 साल के मेरे बच्चे हैं। क्या लग रहा है आपको, किडनैपिंग का कैसे क्या हो गया है? नहीं सर, हमने तो अभी तक उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। एक फ़ोन से अननोन नंबर से फ़ोन आया था, तो जिसपे सर मैंने फ़ोन करता, इसके बाद सर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद सर एक IES नंबर या पता नहीं कौन सा नंबर बोलते मुझे नहीं समझ, वो बाहर का नंबर, विदेशी टाइप का नंबर आता, जिससे सर मुझे रात में, कल भी रात में सर 11 तारीख को सर 8:22 में मुझे धमकी दिया गया कि कानूनी में अगर तू अपना पैतरा अपना दिया ना, तुम्हारे बच्चे को खोज के दिखा तू, तुम्हारा बच्चा का मैंने हत्या कर दिया है। सर मैं तो बहुत मजबूर हूँ सर। पुलिस का रोल क्या रहा? पुलिस का अभी तक सर मुझे कोई रोल नहीं दिख रही, कोई रोल नहीं दिख रही है सर। क्या लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है, पहले से FIR लॉज नहीं किया? पहले तो सर FIR ही लॉज नहीं किया सर, इसके बाद FIR भी लॉज किया गया ना सर। तो सर आवेदन को बदलवा दिया गया, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे शक लग रहा है अब कि जो पूर्ण मेरा आवेदन था पूर्व में दिया हुआ, इसके बाद सर SHO साहब ने उस आवेदन को बदलवा दिए हैं, बदलवा के आवेदन लिए, फिर भी आवेदन बदलवा के भी सर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही, मुझे न्याय सर नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या कारण है कि बदलवा दिया? ये तो सर हम नहीं बता सकते, क्योंकि सर उन्होंने उस नंबर से बात करी थी, जिस नंबर को मैंने दिया कि मेरे को धमकी आ रहा, उस नंबर से बात की। अब सर क्या मिली भगत है प्रशासन के बीच में और एक अपराधी के बीच में, सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं। क्या आप गुहार लगा रहे हैं? सर हम तो SSP साहब से और बिहार प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो मेरे बच्चे को सही सलामत रिकवरी हो जाए, क्योंकि अब मुझे पूर्ण संदेह हो रहा है सर कि मेरे बच्चे का हत्या कर दिया गया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी टाइम न्यूज़पेपर दरभंगा।